हेलो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय नेम इज अभिमन्यु कुमार आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए आज क्लास एलेवंथ का लेक्चर्स नंबर टेंथ लेकर आए हुए हैं जो कि है त्रुटि आज हम सबसे पहले जानेंगे कि त्रुटि क्या होता है यानी इरर क्या होता है और इरर पर बेस्ट बहुत सारा नोमरिकल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि त्रुटि क्या होता है वास्तविक रूप से हम त्रुटि किसको कहते हैं अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी जब हम लेंथ मापते हैं और लेंथ मापने में कोई प्रकार की गलती हो जाती है और उसी गलती को हम क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लेते डेट कोई छड़ है और छड़ का कोई फैक्ट्री से वास्तविक लंबाई तेरह पॉइंट सिक्स मीटर है और यहाँ पर उस छड़ को एक प्रयोगशाला के अंदर रख कर मेजरमेंट किया जाता है तो वह हो जाता है तेरह पॉइंट एट मीटर हो जाता है और वास्तविक मान में से यानी जो आपका वास्तविक मान है और वास्तविक मान को हम प्रयोगशाला में ले जाकर उसको मेजरमेंट करते हैं और उसी प्रायोगिक मान को हम घटा देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आता है और वही वैल्यू आपका त्रुटि कहलाता है अब यहाँ तक तो, तो आप लोग समझ गए होंगे अब सबसे पहले का हम हेडिंग डाल लेते हैं त्रुटि तो देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे त्रुटि त्रुटि क्या है त्रुटि और त्रुटि को इंग्लिश में हम बोलते हैं इरर क्या बोलते हैं इरर आप समझेंगे इरर क्या होता है आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने के बाद आप ऑटोमेटिक जाइएगा कि ईरर क्या होता है मान लेते हैं सपोर्ट डेट यहाँ पे आ, आपका एक छड़ है ये क्या है कोई रड है कोई रड है कोई रड है और इस रड का अगर कोई यह रड कोई फैक्ट्री में बनता होगा अब इस रड का लंबाई हम कह देते हैं कि यह फैक्ट्री के द्वारा मेजरमेंट किया गया लंबाई तेरह पॉइंट सिक्स मीटर है और इसी रड को हम एक लॉबोरेट्री यानी प्रयोगशाला में ले जाकर मेजरमेंट किए तो इसका लंबाई हो गया तेरह पॉइंट एट मीटर हो गया अब देखिए तो यहाँ पर इसका वास्तविक मान कितना था आपका तेरह पॉइंट सिक्स मीटर था और इसी रॉड को एक प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर मेजरमेंट किए तो कितना हो गया तेरह पॉइंट आठ हो गया कितना हो गया तेरह पॉइंट आठ हो गया अब इसमें प्रयोगिक वास्त्व... मान में से वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आता है और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं इरर बोलते हैं अब देखिए तो यहाँ पर त्रुटि अब निकालने के लिए बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे त्रुटि बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रयोगिक मान प्रायोगिक मान प्रयोगिक मान और माइनस क्या हो जाएगा वास्तविक मान वास्तविक मान अब देखिए तो यहाँ पर प्रयोगिक मान कितना आया हुआ है तेरह पॉइंट तेरह पॉइंट आठ माइनस यहाँ पर वास्तविक मान कितना आया है तेरह पॉइंट सिक्स अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू मीटर आप देखिए यहाँ पर जीरो पॉइंट टू मीटर आया है यानी इस रड की लंबाई में कितना त्रुटि आ गई जीरो पॉइंट टू मीटर की त्रुटि आ गई यानी ईरर आ गया और इसी इरर को हम क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं अब तो यहाँ तक तो, तो समझ गए होंगे इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए अब एक और एग्जाम्पल की तौर पर हम बात करते हैं तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब इसको हम मिटा देते हैं अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं देखिए बाबू अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं सपोर्टेड कोई भी क्लास होता है और उस क्लास में बहुत सारे लड़के स्टडी करते हैं और उन सारी लड़कियों में से हम दो लड़के को ठहरा करा देते हैं और दो लड़कियों लोगों को ठहरा करा देते हैं तो कहते हैं कि बाबू यहाँ पे एक मार्कर है ये क्या है कोई मार्कर है मार्कर है।, है क्या है कोई मार्कर है हम इसमें से चार लड़के को क्लास में से ठड़ा कराए और चारों लड़के को सॉरी यहाँ पर हम दो लड़के को खड़ा कराए क्लास में और दो लड़कियों को ठड़ा कराए अब यहाँ पर फर्स्ट लड़का सीख बोले कि बाबू इस इस मार्कर की लंबाई माप कर बताओ कि इस मार्कर की लंबाई कितना है तब पहल का लड़का बोला यानी एलवन वाला लड़का बोला कि सर इसका लंबाई फोर पॉइंट यानी टू पॉइंट वन सेंटीमीटर है और दूसर का लड़के को ठड़ा करा कर, कर बोले कि बाबू इस मार्कर की लंबाई बताइए तो दूसर का लड़का बोला कि सर इसका लंबाई है टू पॉइंट टू सेंटीमीटर है और तीसारका लड़की को ठड़ा करा कर बोले कि बताइए इनका लंबाई कितना है ए मार्कर का तो लड़की बोली कि सर इसका लंबाई टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर है और चौथ का लड़की को ठड़ा करा कर बोले कि बोले कि इसका लंबाई मापिए इस मार्कर की तो चौथ का लड़की यानी एल फोर वाला लड़की बोली कि सर इसका लंबाई 2.4 सेंटीमीटर हैं अब कहेगा कि इन सारी लेंथों में से एग्जैक्ट मार्कर की लंबाई कितना है और किनके और कि, कितने त्रुटि आई हुई है और कि कौन लड़का में कितना त्रुटि आया है और कौन सी लड़की मेजरमेंट की है उसमें कितना त्रुटि आया है और एग्जैक्ट वैल्यू इस मार्कर का लंबाई क्या होगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए और त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा एल निकालते हैं क्या निकालते हैं डेल्टा एल तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एल यहाँ सॉरी यहाँ पर सबसे पहले निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालते हैं क्या निकालते हैं माध्य निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले माध्य निकालेंगे माध्यय माध्य बराबर होता है कुल भौतिक राशियों का युग अब जरा यहाँ पर सोच लीजिए यहाँ पर क्या है लंबाई है L1, L2, L3, L4 थ्री ये क्या है एक लंबाई है और लंबाई क्या होता है यह भौतिक राशि होता है और कुल भौतिक राशि का युग कुल भौतिक राशि के योग अब बाटा क्या होता है कुल भौतिक राशि की संख्या भौतिक राशि के संख्या पता है ना जी अब देखिए तो यहाँ पर कुल भौतिक राशियों का जो क्या है यानी एल वन प्लस क्या है एल टू प्लस एल थ्री और प्लस क्या है एल फोर और संख्या कितना है एक दो तीन चार चार है तो चार से क्या करते हैं भाग दे देते हैं अब एल वन का वैल्यू कितना है जरा सोच कर बताइए देख कर फोर पॉइंट वन एल टू का वैल्यू कितना है टू पॉइंट टू और यहाँ पर एल थ्री का वैल्यू कितना है टू पॉइंट थ्री और एल फोर का वैल्यू कितना है टू पॉइंट फोर आप बाटा में क्या करेंगे फोर से भाग दे देंगे तो देखिए तो यहाँ पर चार तीन सात सात और दो नौ नौ एक दस के शून्य यहाँ पर चार दुना आठ एक क्या हो जाएगा नौ अब बटा क्या हो जाएगा चार अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा टू चार धूना आठ टू पॉइंट टू कितना जाएगा टू पॉइंट टू सेंटीमीटर इतना आपका माध्य निकल गया अब माध्य निकल गया अब क्या निकालेंगे आपका अब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे यानी त्रुटि निकालेंगे यानी इरर निकालेंगे तो इरर निकालने के लिए हम बता चुके हैं वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को क्या करते हैं घटाते हैं यानी अब त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे त्रुटि बराबर एक फॉर्मूला होता है वास्तविक वास्तविक मान माइनस क्या होता है प्रायोगिक मान प्रयोगिक मान अब देखिए तो यहाँ पर वास्तविक मान यहाँ पर डेल्टा एल से लिखते हैं डेल्टा एल वास्तविक मान कितना आया है टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू और माइनस प्रायोगिक मान कितना आया हुआ है टू पॉइंट वन तो टू पॉइंट वन घटाएँगे तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर यानी फर्स्ट लड़के लड़के का दोबारा मापा गया मान में कितना परसेंट का त्रुटि आ गई जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर का त्रुटी आ गई अगर यहाँ पर अब यहाँ पर एलवन मान सकते हैं इसको अब डेल्टा एल टू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वास्तविक मान कितना आया हुआ है टू पॉइंट टू अब प्रायोगिक मान कितना है टू पॉइंट टू अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर अब देखिए तो इसमें कोई त्रुटि आया है यानी जीरो जीरो है यानी इसमें कोई प्रकार के त्रुटि नहीं आया है यानी सेकेंड लड़के को दोबारा मापा गया मान एग्जैक्ट आपका जीरो, जीरो जीरो आया है यानी इस मार्कर की लंबाई क्या होगा आपका जीरो जीरो आ रहा है यानी टू पॉइंट टू सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है जीरो जीरो आ रहा है इसलिए आपका एग्जैक्ट लंबाई क्या होगा 2.2 सेंटीमीटर ही होगा और यहाँ पर फर्स्ट लड़का का दोबारा मापा गया मान कितना है 0.1 सेंटीमीटर का इरर आ गया और वहीं सेकेंड लड़के की बात करते हैं तो सेकेंड लड़का में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं आया यानी वास्तविक लंबाई मार्कर की कितना है 2.2 सेंटीमीटर है अगर यहाँ पर डेल्टा L3 की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे वास्तविक मान कितना है अब इसको प्लॉट देते हैं कोई दिक्कत नहीं इधर उधर भी करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री अ माइनस क्या करते हैं टू पॉइंट थ्री यहाँ पर टू पॉइंट थ्री अ माइनस कितना हो जाएगा टू पॉइंट टू अब घटाएँगे तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर यानी आपका थर्ड लड़की के द्वारा मापा गया मान में भी जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर का इरर आ गया अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एल फोर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फोर हाँ माइनस क्या हो जाएगा टू पॉइंट टू तो यानी जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर यानी फोर्थ लड़की को दोबारा मेजरमेंट मार्कर के लंबाई मापने में कितना परसेंट का त्रुटि कितना सेंटीमीटर का त्रुटि आ गई यानी जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया यानी कहने का मतलब हम त्रुटि कैसे निकालते हैं वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा लेते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आता है और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं तो सिंपल से वर्ड में कोई पूछेगा कि त्रुटि क्या होता है तो सिंपल से वर्ड में हम बोलेंगे वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान में अंतर ही त्रुटि कहलाता है तो यहाँ पर लिख लेंगे वास्तविक मान वास्तविक मान वास्त तथा प्रयोगिक प्रयोगिक मान में अंतर ही अंतर ही त्रुटि कहलाता है कहलाता है यहाँ पर त्रुटि क्या होता है वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान में अंतर ही त्रुटि कहलाता है और त्रुटि को लिखेंगे और त्रुटी को डेल्टा एल द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित किया जाता है किसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं अब देखिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा आप लोगों को अब देखिए यहाँ पर त्रुटि हम क्या बताए थे त्रुटि कैसे निकालते हैं त्रुटि बराबर यहाँ पर त्रुटि एक होता है वास्तविक मान वास्तविक मान एक होता है प्रायोगिक मान जो कि हम प्रयोगशाला में करते हैं और वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा देते हैं देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग वास्तविक मान में से प्रयोगिक मान को घटा देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं अब देखिए यहाँ पर त्रुटि में क्या होता है एक वास्तविक मान होता है और एक क्या होता है प्रायोगिक मान होता है यानी वास्तविक मान मतलब क्या होता है आपका कुछ लंबाई दे दिया मान लेते हैं इस मार्कर की लंबाई बोल दे कि दो इस मार्कर की लंबाई दो सेंटीमीटर है और इस मार्कर को अगर हम प्रयोगशाला में ले जाकर मेजरमेंट किए तो यह 2.5 सेंटीमीटर हो गया तो यानी आपका वास्तविक मान कितना था 2.2 सेंटीमीटर था और इसको प्रयोगशाला में ले ले, जाकर मेजरमेंट किए तो कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर हो गया यानी अगर यानी वास्तविक मान में से प्रयोगिक मान को हम घटा देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आता है और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा समझ गए होंगे आप लोग अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट ही मान लीजिएगा इसको एग्जाम्पल क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट अगर मान लेते हैं डेट कोई छड़ है मान लेते हैं कोई रड है ये क्या है कोई रड है और इस रड को लंबाई मेजरमेंट करना है तो इस छड़ का जो कंपनी के द्वारा मापा गया मान है वह तेरह पॉइंट बारह पॉइंट चौदह पॉइंट दो सेंटीमीटर है अगर इस छड़ को किसी लेब में यानी लेबोरेटरी में यानी प्रयोगिक में यानी प्रयोगशाला में ले जाकर हम मेजरमेंट करें तो यह हो जाता है चौदह पॉइंट एट सेंटीमीटर अब देखिए तो यहाँ पर वास्तविक मान कितना था आपका चौदह पॉइंट टू सेंटीमीटर रहा लेकिन सपो डेट इसको प्रयोगशाला में ले जाकर मेजरमेंट किए तो इसका कितना मान हो गया चौदह पॉइंट एट सेंटीमीटर हो गया अब कहेगा कि इसमें कितना त्रुटि आ गया तो यही करेंगे आपका त्रुटि अगर पूछेगा तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे यहाँ पर त्रुटि कैसे निकालेंगे अब प्रयोगिक मान में वास्तविक मान को घटा देते हैं प्रयोगिक मान कितना है तेरह चौदह पॉइंट आठ माइनस चौदह पॉइंट टू अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया और इसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं इरर बोलते हैं अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है आप लोगों का कोई डाउट नहीं हुआ होगा यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से यहाँ पर हम इरर किसको बोलते हैं सिंपल से वर्ड में आप बोलिएगा कि सर वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आता है और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं इरर बोलते हैं क्या बोलते हैं इरर बोलते हैं अब यहाँ पर एक पूछ सकते हैं कि सर बताइए वास्तविक मान क्या होता है तो हम सीधे समझेंगे कि मान लेते हैं कोई भी जब फैक्ट्री में से रड मेजरमेंट करके आता है तो वहाँ पर जो मेजरमेंट किया गया मान को हम वास्तविक मान कहते हैं और प्रायोगिक मान क्या होता है तो हम समझेंगे कि अगर उस छड़ को हम एक प्रयोगशाला में ले जाकर मेजरमेंट करेंगे तो जो मेजरमेंट किया गया मान आएगा उसी मेजरमेंट किया गया मान को हम बोलते हैं प्रायोगिक मान क्या बोलते हैं प्रायोगिक मान अब यहाँ तक तो, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से यह एग्जाम्पल फर्स्ट नोट के लिए कर लीजिए उसके बाद सेकंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग तो प्रयोग से यहाँ पर त्रुटि तो समझिए गए होंगे वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान में अंतर ही त्रुटि कहलाता है क्या कहलाता है त्रुटि कहलाता है अब देखिए यहाँ पर त्रुटि के अंदर क्या होता है दो होता है एक वास्तविक मान होता है एक प्रायोगिक मान होता है और इन वास्तविक में से प्रायोगिक मान को हम घटा लेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा उतना उतना सेंटीमीटर या मीटर या डेसीमीटर का त्रुटि आएगा यानी इरत आएगा अब इसको हम मिटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग समझ गए अब देखेंगे त्रुटि के प्रकार अब क्या देखने वाले हैं त्रुटि के प्रकार अब देखिए यहाँ पर देखने वाले हैं त्रुटि के प्रकार त्रुटि के प्रकार यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ ईरर टाइप ऑफ इरर क्या बोलते हैं टाइप ऑफ ईरर अब त्रुटि कितना प्रकार का होता है ये हमसे सवाल कर सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों जो त्रुटि होता है यानी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इरर ओनली वन फोर सिस्टमेटिक ईर एंड सेकेंड फोर रैंडम ईरर एंड थर्ड फ्रो ग्रास ईर यानी देर आर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इरर ओनली वन फॉर सिस्टमेटिक ईर यानी क्रमबद्ध त्रुटि और यहाँ पर दूसर का होता है रैंडम ईरर यानी एक् त्रुटि और तीसर का होता है ग्रास ईर यानी स्थूल या गंभीर त्रुटि गंभीर मतलब क्या होता है सभी गलती हो जाता है और सभी गलती होने के बावजूद जो त्रुटि आ जाती है उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं गंभीर त्रुटि यानी गौतम गंभीर वाली त्रुटि अब देखिए यहां पर समझिए इरर कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है पहला होता है आपका सिस्टमेटिक इरर सिस्टमेटिक इरर इरर और दूसर का होता है आपका रैंडम इरर रैंडम इरर इरर और तीसर का होता है आपका ग्रॉस इरर ग्रॉस इरर ग्रॉस इरर अब देखिए यहां पर सिस्टमेटिक इरर को हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि क्या बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। और यहां पर रेंडम इरर को बोलते हैं ये त्रुटि, और यहां पर ग्रॉस ईरर को हम बोलते हैं गंभीर एस्तूल स्तूल एस या गंभीर त्रुटि गंभीर त्रुटि क्या बोलते हैं स्तूल या गंभीर त्रुटि अब देखिए यहाँ पर आपका त्रुटि कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीरर वन यू वन फोर इरर एंड सेकेंड फॉर रैंडम इरर एंड थर्ड फॉर ग्रॉस ईरर यहां तो कोई डाउट नहीं हुआ लेकिन सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि ईरर क्या होता है अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर पहलका हेडिंग टन डालेंगे पहल का सिस्टमैटिकरर सिस्टमैटिकर और सिस्टमेटिक ईर को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रम हिंदी में बोलते हैं क्रमब त्रुटि अब देखिए यहाँ पर जरा सौ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि सिस्टमेटिक इरर क्या होता है अब कहीं भी हम प्रयोगशाला में जाते हैं और कोई भी चीज़ को प्रयोगशाला में हम मेजरमेंट करते हैं तो प्रयोगशाला में ऐसा ही थोड़ी मेजरमेंट कर लेते हैं एक सिस्टम बनाना पड़ता है क्या बनाना पड़ता है एक सिस्टम बनाना पड़ता है और उस सिस्टम के अंदर जाकर हम मेजर में कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो सब पूछिएगा कि सर सिस्टम कैसे बनता है अब देखिए ज़रा सोचिए यहाँ पर हम कोई भी लेबोरेटरी में जाते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा मकान होना चाहिए यानी एक अच्छा लेब होना चाहिए और उस लेब में भर्नियल कैलिपर और जितना भी मेजरमेंट का इक्विपमेंट है उसका उसमें होना अति आवश्यक है और उस रूम का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए एटोमेफेयर भी बहुत अच्छा होना चाहिए उस रूम का और उसमें लाइट का भी व्यवस्था होना चाहिए लाइटिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए अगर अचानक उस सिस्टम के अंदर से जो गलती हो जाती है यानी सिस्टम के कारण जो गलती हो जाती है यानी त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक की अब ज़रा कहिएगा कि सर सिस्टम में कैसे त्रुटि होता है अगर मान लेते हैं आप सपोर्ट डेट समझिए हम प्रयोगशाला में हम जाकर लेब में प्रयोगशाला में हम जाकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं अगर अचानक लाइट कट जाता है तो लाइट कट जाने के बाद क्या होता है पसीना आने लगता है और पसीना आ जाने के बाद दिमाग वेवरेट हो जाता है यानी इधर उधर टहलने लगता है तो उधर के उस तरह जो सिस्टम के कारण होने वाली त्रुटि में उसको क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर यानी सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर तो यहाँ पर लिख लेंगे और सिस्टमेटिक एरर जो होता है जिसका कारण ज्ञात होता है कि क्या चीज़ के कारण यह त्रुटि आई हुई है सिस्टमेटिक देखिए यहाँ पर इस वर्ड को आप पहचान लीजिए ये क्या होता है सिस्टम सिस्टम लिखा हुआ है ना जी इस वर्ड को हम घेर देते हैं तो क्या हो जाता है एक सिस्टम बन जाता है यानी प्रयोगशाला बना करने के लिए प्रयोग कोई भी चीज़ को हम मेजरमेंट करने के लिए एक प्रयोगशाला बनाना पड़ता है और उस प्रयोगशाला में बहुत सारे चीज़ एवेलेबल रहता है और उस उन सारे चीज़ों में से कोई प्रकार की त्रुटि आ जाए यानी सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए और सिस्टम में गड़बड़ी आने के कारण जो त्रुटि हो जाए उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक हम लोगों को पता था कि इलेक्ट्रिक है तो लाइट कट भी सकता है ये पता था यानी जिसका कारण ज्ञात थे पता था ना जी कि इलेक्ट्रिक कट भी सकता है और कट जाएगा तो उसके कारण क्या आ जाएगा त्रुटि आ जाएगा और उसी त्रुटि को हम क्या बोलेंगे सिस्टमैटिक इरर यानी सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए उसी त्रुटि को क्या बोलेंगे सिस्टमेटिक इर समझ गए यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ तो यहाँ पर जो समझेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लेंगे यह सिस्टमेटिक इरर होता है इसका कारण पता होता है कि किस कारण से यह त्रुटि आ गई तो यहां पर लिखेंगे क्रमबद्ध लिखेंगे वैसा वैसा त्रुटि त्रुटि जिसका कारण ज्ञात होता है ज्ञात होता है तब उसे हम उसे हम क्रम बौद्ध त्रुटि कहते हैं क्या कहते हैं कर्मबौध त्रुटि कहते हैं अब यहाँ तक तो, तो समझ गए अब कोई पूछेगा कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है तो नहीं बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि सर कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर फर्स्ट समझ गए आप सेकंड समझेंगे सेकंड क्या है रैंडम इरर रैंडम इरर रैंडम इरर को हिंदी में हम बोलते हैं यंतराक्षिक त्रुटि आप सबसे पहले समझेंगे कि अंतराक्षिक त्रुटि क्या होता है यानी रैंडम इरर क्या होता है अब क्लास टेंथ में या एलेवेंथ में या ट्वेल्थ में आप लोग पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी तो आप लोग पढ़े होंगे अब प्रोबेबिलिटी का थोड़ा कंसेप्ट आ गया है रेंडम इरर में मान है, लेते हैं एक थैला लेते हैं एक क्या है कोई थैला है थैला है थैला है और इस थैला के अंदर रेड गेंद चार रख देते हैं येलो गेंद येलो गेंद तीन रख देते हैं और ग्रीन ग्रीन गेंद दो रख देते हैं क्या है चार बॉल रख दिए ये भी येलो कितना बॉल रख दिए तीन बॉल रख दिए और यहाँ पर ग्रीन कितना बॉल रख दिए दो बॉल रख दिए इतना बॉल रख दिए इस थैला में और इस थैला को हम पूरा हिला देते हैं अब कहेंगे कि बाबू एक काम कीजिए इस थैला में से एक लाल गेंद निकालिए एक गाल लाल गेंद निकालिए तो लड़का क्या किया एक लाल गेंद निकाला तो वहाँ पर निकल गया कैसा गेंद येलो गेंद निकल गया यानी मेरा कहने का मतलब जिसका कारण ज्ञात न हो यानी कारण पता न हो उसको क्या बोलते हैं रैंडम इरर अब देखिए तो यहाँ पर आंख मुद कर एक गेंद को हम निकालेंगे वो लाल निकालना है तो कोई गारंटी नहीं है कि लाल निकलेगा इस थैला से जिसका कोई गारंटी न हो उसको हम क्या बोलते हैं रैंडम इरर जिसका कोई गारंटी न हो उसको क्या बोलेंगे रैंडम ईरर यहाँ तक तो समझ गए यानी कहने का मतलब है कि इस थैला में चार रेड गेंद रख दिए चार पीला गेंद रख दिए और हरा गेंद दो रख दिए और इस थैला को हम पूरा हिला देते हैं और कहेंगे कि आंख मुद कर इस थैला से एक लाल गेंद निकालिए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इस थैला से आपका लाल गेंद निकलेगा यानी जिसका कोई कारण पता न हो यानी जिसका कारण पता न हो उसको क्या बोलेंगे रेंडम ईरर और कारण पता न हो और उसके कारण जो त्रुटि आ जाए और उसी त्रुटि को रैंडम इरर कहते हैं क्या बोलते हैं रैंडम इरर कहते हैं तो यहाँ पर सिंपल से वर्ड में लिखेंगे वैसा त्रुटि वैसा त्रुटि जिसका कारण पता न हो पता न हो तब उससे हम रैंडम रैंडम इरर कहते हैं इरर कहते हैं क्या कहते है? हैं रैंडम इरर कहते हैं यहाँ तक तो समझ गए यानी कहने का मतलब आप लोग तो सिस्टमेटिक इरर भी समझ गए और रैंडम इरर भी समझ गए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा अब क्या समझने वाले हैं अब यहाँ पर रैंडम इरर का एक और एग्जाम्पल समझिए सिस्टर रैंडम इरर का एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मान लेते हैं सपोर्टेड एक कोई बेरोज़गार लड़का है एक कैसा लड़का है बेरोजगार 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 लड़का है और यह बेरोजगार लड़का क्या होगा कमाने के लिए कहा जाएगा दिल्ली जाएगा तो दिल्ली जाने के लिए कि क्या किससे जाया जाता है एक ट्रेन होता है एक एक ट्रेवलिंग के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है ट्रेन का सूटेबल व्यवस्था ट्रेन होता है अगर मान लेते हैं दिल्ली जाने के लिए सिवान जंक्शन से सिवान जंक्शन जाना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए आपको और सिवान जंक्शन जाने के लिए आपको यहाँ से जाने के लिए मान लेते हैं सिवान जंक्शन आप पहुँचे और सिवान जंक्शन से आपका ट्रेन का टाइम टेबल भी होता है मान लेते हैं यहाँ पर दो बज के तीस मिनट पर यानी अढ़ाई बजे बिहार शपथ क्रांति का समय है किसका समय है बिहार शपथ क्रांति बिहार शपथ क्रांति बिहार शपथ क्रांति का समय है और यहाँ पर कोई बेरोजगार लड़का है और घर से निकला और यह लड़का घर से निकला और सिवान पहुँचा तो यह लड़का घर से निकला तो यहाँ पर तीन बजे के समथिंग में सिवान जंक्शन पहुँचा कितना बजे से पहुँचा तीन बजे और आपका ट्रेन का टाइम टेबल क्या है अढ़ाई बजे है और यह लड़का कहाँ जाने वाला था दिल्ली जाने वाला था अब देखिए तो यहाँ पर यह तीन बजे पहुँचा तो यह ट्रेन जा चुकी थी जा चुकी थी यानी यह ट्रेन जा चुकी थी यानी इसका इस बेरोजगार लड़का ट्रेन को नहीं पकड़ पाया अब नहीं पकड़ पाया Osionfish. तो उसके जस्ट बगले में एक ब्रिलेंट कोचिंग सेंटर है क्या है ब्रिलेंट कोचिंग सेंटर है तो लड़का सोचा कि चले हम चलते हैं थोड़ा बहुत सुखविंदर सर कि यहाँ ब्रिलेंट कोचिंग सेंटर में हम थोड़ा बहुत वहाँ पर आराम कर लेते हैं तो लड़का गया और ब्रिलेंट कोचिंग सेंटर में सुखविंदर सर के पास तो सुखविंदर सर पूछे कि बताइए बाबू आप तो जाने वाले थे दिल्ली अचानक कहाँ चले आए बीसीसी कोचिंग सेंटर के अंदर चले आए यानी बीसीसी कोचिंग सेंटर के अंदर चले आए अब कहने का मतलब है यह लड़का कहाँ जाने वाला था दिल्ली जाने वाला था कहाँ जाने वाला था दिल्ली और यहाँ पर ट्रेन न मिलने की वजह से यह कहाँ चला आया बीसीसी कोचिंग सेंटर में चला आया बीसीसी कोचिंग सेंटर के अंदर चला आया यानी यह लड़का अगर ट्रेन मिल जाता तो कहाँ अवेलेबल रहता दिल्ली पहुँच जाता अगर ट्रेन नहीं मिला तो कहाँ गया बी सी आ गया यानी इसका कोई कारण पता नहीं है अगर ट्रेन मिला रहता तो दिल्ली पहुंचता, अगर नहीं मिला तो कहाँ पहुंच गया बी में पहुंच गया यानी जिसका कारण पता ना हो हमको यानी सुखविंदर सर को पता था कि यह दिल्ली पहुंच जाएगा यानी दिल्ली जाने वाला था लेकिन पहुंच गया फिर बी में यानी इसका कारण पता न हो और जिसका भी कारण पता न हो उसको हम क्या बोलते हैं रैंडम ईरर के नाम से जानते हैं कौन सा इरर के नाम से जानते हैं रैंडम ईरर यानी वैसा त्रुटि जिसका कारण पता न हो अब देखिए तो यहाँ पर कोई कारण पता है कोई कारण पता नहीं ये लड़का तो दिल्ली जाने वाला था लेकिन अचानक ट्रेन न मिलने की वजह से टाइम 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 अरेंजमेंट में गड़बड़ा जाने की वजह से यह लड़का बी कोचिंग सेंटर के अंदर पहुँच गया और आराम करने लगा तो उसके माध्यम से जो त्रुटि आ जाए यानी गलती यानी त्रुटि यानी इरर आ जाए उसी इरर को हम क्या बोलते हैं रैंडम इरर क्या बोलते हैं रैंडम ईरर अब जरा बताइए यहाँ तो कोई डाउट है मेरे को अनुमान है कि यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा अब देखेंगे सेकंड देखेंगे सेकेंड थर्ड देखेंगे कौन सा है ग्रॉस इट ग्रास इरड़ ग्रास इरड़ को हम बोलते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि गंभीर त्रुटि स्थूल या गंभीर त्रुटि अब सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि एस ग्रॉस इर क्या होता है मान लेते हैं डेट हम किसी भी प्रयोगशाला के अंदर यानी आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सीट लिमिट होता है कि सिविल का साठ होगा मैकेनिकल का साठ होगा इलेक्ट्रिकल का साठ होगा सी का यानी कंप्यूटर साइड का साइंस का साठ सीट होगा अगर मान लेते हैं सभी का साठ सीट है मान लेते हैं आप सी ब्रांच में गए और सी ब्रांच चूज किए और सी ब्रांच में आपका साठ सीट है कितना सीट है साठ सीट है साठ सीट हैं यानी कंप्यूटर साइंस में कितना सीट है साठ सीट है और प्रयोगशाला में आपका भी से गो भर्नियर के लीपर हैं कितना है बीस गो भर्नियर के लीपर हैं और इन साठू लड़के को प्रैक्टिकल कराना है तो इन साठू लड़कों को हम प्रैक्टिकल कैसे कराएंगे तो सबसे पहले अलग अलग शिफ्ट अलग अलग टाइम में आपको बांटना पड़ेगा तो देखिए तो यहाँ पर एक शिफ्ट में बीस लड़के एक शिफ्ट में बीस लड़के और एक शिफ्ट में बीस लड़के बांट देते हैं अलग अलग, अलग शिफ्ट में तो आपका साठ लड़का आराम से मेजरमेंट यानी प्रैक्टिकल कर पाएगा और देखिए मान लेते हैं प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल कोई टीचर थोड़ी करता है स्टूडेंटे न करता है जी तो देखिए यहाँ पर कोई टीचर नहीं करता है बल्कि स्टूडेंट एक दूसरे के से प्रैक्टिकल करते हैं यानी यहाँ पर 20 लड़का एक जोन में प्रैक्टिकल करेंगे दूसरा का जोन में 20 लड़का और तीसरा का जोन में 20 लड़का अब यह 20 लड़का गया फर्स्ट सिटिंग में प्रैक्टिकल करने के लिए और यहाँ पर 10 लड़का पहल का लड़का 10 लड़का भर्नील कैलिकलपर का, का यूज किया तो दस लड़का ए, कोई भी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एक लड़का कापी पर नोट करता है क्या करता है नोट करता है अगर मान लेते हैं मार्कर है और मार्कर का प्रैक्टिकल करना है तो इसको लेब में ले जाएंगे तो हम मार्कर में बोलेंगे कि इस मार्कर की लंबाई फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर है लड़का से बोलेंगे कि इस मार्कर की लंबाई लिखो फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर तो लड़का लिख लिया फ़ोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर और सेकेंड लड़का ठड़ा हुआ और इसको मेजरमेंट किया ये बोला कि इस मार्कर की लंबाई फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर है और बोला कि इसको लंबाई को लिखो फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो वो लड़का लिख लिया फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर अब देखिए तो यहाँ पर लगतार त्रुटि होते जाएगा लगतार त्रुटि हो जाने होते जाएगा और यह इस आंसर शिफ्ट को अगर ले जाकर उस टीचर के पास दिखाया जाता है तो तू टीचर क्या हो जाता है गलत काट देता है क्या करता है गलत काट देता है क्योंकि उसका पता था कि आंसर क्या होगा इतना होगा यानी उसका पता था कि आंसर इतना होगा और और इस स्टेप इस इस में पूरा गलती आ जाती है यानी पूरा त्रुटि आ जाए और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं गंभीर त्रुटि इसमें कोई प्रकार के इसमें सभी त्रुटिया आ जाता है लगभग क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर कोई मार्कर है इस मार्कर की लंबाई हम बोलते हैं कि 2.4 सेंटीमीटर है और लड़का को बोले कि कापी में नोट कीजिए 2.4 सेंटीमीटर और लड़का नोट की लिया फोर सेंटीमीटर अब देखिए तो यहाँ पर खाली त्रुटि होते जाएगा और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं गंभीर त्रुटि क्या बोलते हैं गंभीर त्रुटि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए और यहाँ पर ये दो त्रुटि हम लोग नहीं पढ़ते हैं रैंडम त्रुटि नहीं इरर नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर ग्रॉस इरर नहीं पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसके कारण ज्ञात नहीं होता है उसको हम नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर आपका सिस्टमेटिक ग्रॉस इरर भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं अब यहाँ तक तो, तो हम लोग समझ गए होंगे अब इसको हम मिटा देते हैं इसको हम मिटा देते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक तो, तो आप लोग समझ गए होंगे अब देखिए यहाँ पर अब एक होता है सिस्टमेटिक इरर जिसको हम पढ़ते हैं और सिस्टमेटिक इरर होता है वह चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का होता है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहल का हम देखेंगे सिस्टमेटिक इरर मैटिक इरर सिस्टमेटिक इरर और सिस्टमेटिक इरक कितने प्रकार का होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हिंदी में कर्मबौ कर्मबौ त्रुटि क्या बोलते हैं कर्मबौध त्रुटि अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिस्टमेटिक ईर समझेंगे सिस्टमेटिक ईर कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का होता है तो यहाँ पर कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का होता है जो कि पहल का दूसर का और तीसर का और चौथ का देखेंगे अब देखिए यहाँ पर पहल का होता है यंत्रगत त्रुटि यंत्रगत त्रुटी और दूसर का होता है व्यक्तिगत त्रुटि और तीसर का होता है प्रायोगिक त्रुटि त्रुटि और तीसर का होता है वातावरण के कारण होने वाले होने वाली त्रुटि देखिए यहाँ पर यंत्रगत त्रुटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इरर। क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इरर इंस्ट्रूमेंट इरर। क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इरर और यहाँ पर व्यक्तिगत त्रुटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसनल इरर प्रोसनल इरर और यहाँ पर प्रयोगिक त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल इरर इरर और यहां पर वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इरर मेंटल इरर इन्वायरमेंटल इरर अब सबसे पहले यहां पर समझेंगे ये अंतर्गत त्रुटि क्या होता है तो सबसे पहले का हम हेडिंग डाल लेते हैं पहल का हेडिंग डाल लेते हैं यंत्रगत त्रुटि गत त्रुटि यानी इंस्ट्रूमेंट इरर मेंट इरर क्या डाल लेते हैं इंस्ट्रूमेंट इरर अब सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट इरर क्या, क्या होता है यानी यंत्रगत त्रुटि क्या होता है मान लेते हैं डेट कोई बहुत पुराना सा स्केल है क्या है बहुत पुराना सा स्केल है मान लेते हैं ये क्या है स्केल e आप लोग ऐसे देखते होंगे ऐसे देखते हैं कि नहीं सब लोग स्केल e देखे होंगे ऐसे स्केल देखते होंगे और यह स्केल मेजरमेंट करते करते आपका नया था स्केल तो ऐसा दिखता है यानी न्यू था तो अगर इस स्कोल e को हम 20 साल तक यूज करते रह जाएं कितने साल तक 20 साल तक 20 ईयर तक 20 ईयर तक हम यूज करते रह जाएँ तो देखिए आपका स्केल कुछ ऐसा दिखने लगेगा कुछ ऐसा दिखने लगेगा कुछ ऐसा दिखने लगेगा ऐसा दिखेगा ऐसा दिखने लगेगा यानी इसको हम यह स्केल आपका यहाँ पर नया है लेकिन इसको हम जैसे ही 20 साल तक हम इस स्केल को उपयोग किए लेबोरेटरी के अंदर तो स्केल आपका कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाता है ऑटोमेटिक टूट जाता है प्रयोग करते करते आप लोग देखे होंगे आप लोग भी प्रैक्टिकल किए होंगे कि आप एक एक साल के छः महीने आप लोग स्केल का यूज करते हैं तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाता है टूट जाता है और इस यंत्र से यानी इस स्केल से कहेंगे कि आप इस स्केल से कोई चीज़ को कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट को मेजरमेंट कीजिए तो यहाँ पर इस स्केल से कहेंगे कॉन्स्ट कंस्ट्रक्शंस के इक्विपमेंट को मेजरमेंट कीजिए तो जहाँ भी इस एक स्केल का उपयोग कीजिएगा तो उस स्केल में अधिकतर त्रुटि आएगी और इसी त्रुटि के हम बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि इसका नाम से ही स्पष्ट है यंत्र के गंदर होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि अब देखिए तो यहाँ पर इस स्केल से कोई भी चीज़ को आप मापिएगा तो क्या आएगा अधिकतर त्रुटि आएगी और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि यानी यंत्र के अंदर होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि तो हम यहाँ पर लिखेंगे यंत्र के कारण यंत्र के कारण के कारण होने वाली होने वाली त्रुटि को त्रुटि को यंत्रगत यंत्रगत त्रुटि कहते हैं त्रुटि कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख लीजिएगा फर्स्ट देखिए तो यहाँ पर न्यू मार्कर था ए एस के सॉरी यहाँ पर न्यू स्केल था और इसको हम कितने साल प्रयोग किए बीस साल प्रयोग किए तो आपका स्केल कुछ ऐसा दिखने लगा और इस स्केल से कोई भी चीज़ को हम मेजरमेंट करेंगे तो आपका त्रुटि आ जाएगा और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं ये अंतर्गत त्रुटि अब यहाँ तक तो, तो समझ गए अब देखेंगे दूसरा का व्यक्तिगत त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि त्रुटि इसको हम बोलते हैं पर्सनल इरर, पर्सनल इरर आप समझेंगे कि पर्सनल इरर क्या होता है पर्सनल माने क्या होता है अपना होता है कि नहीं कोई चीज़ को हम कहते नहीं कि ये अपना पर्सनल है यानी पर्सनल इरर यानी कोई भी चीज़ को हम कहते हैं क्या कि ये पर्सनल है कहते हैं कि नहीं अगर मान लेते हैं सब प्रोडक्ट ये मार्कर है यह मार्कर मेरा पर्सनल है कि नहीं यह पर्सनल है क्योंकि हम ही लिखते हैं इस मार्कर से अगर हम ही इस मार्कर की लंबाई को मापे कि इस मार्कर की लंबाई छः इंच है कितना इंच है छ इंच है और छः इंच मापे इस मार्कर की लंबाई और यहाँ पर हम ही जाकर प्रयोग प्रयोगशाला में लेब में कोई स्केल से मापे तो यह हो जाता है सात इंच हो जाता है यानी अपने आप के कारण जो होने वाली त्रुटि होता है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं व्यक्तिगत इरर क्या बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि समझ में आ गया यानी अपने आप से और मार्कर की लंबाई कितना है छः इंच हम बोले और इसी को हम अपने आप से लेब में ले जाकर मेजरमेंट किए तो क्या हो गया सात इंच हो गया यानी वन सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुट इरल क्या बोलते हैं व्यक्तिगत तो यहाँ पर लिखेंगे किसी किसी व्यक्ति के कारण होने वाली वाली त्रुटि को त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं क्या कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं यहाँ तक तो, तो समझ गए यहाँ पर तो समझ गए अब देखिए यहाँ पर तीसार का स्टेटमेंट है प्रायोगिक त्रुटि प्रायोगिक त्रुटि प्रायोगिक त्रुटि यानी प्रैक्टिकल इरर इरर अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल इरर क्या होता है अगर मान लेते हैं ये मार्कर है और इस मार्कर की लंबाई को मेजरमेंट करना है तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे सबसे पहले हम प्रयोगशाला में जाएंगे और प्रयोगशाला में हम जाकर इस मार्कर की लंबाई को मापेंगे तो यह मार्कर की लंबाई को हम मापेंगे और इस मार्कर की लंबाई मान लेते हैं कोई स्केल से मापे तो स्केल से मापे तो यह सिक्स इंच है कितना इंच है सिक्स इंच है और हम माप दिए फाइव इंच तो देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ आपका प्रयोगशाला के अंदर ही त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलेंगे प्रयोगिक इरड़ क्या बोलते हैं प्रयोगिक इरड़ यानी प्रैक्टिकल त्रुटि आप प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल करने जाइएगा तो किसी न किसी प्रयोगशाला के अंदर हम लोग जाते हैं और उस प्रयोगशाला के अंदर जाने के बावजूद भी कोई त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलेंगे प्रयोगिक त्रुटि तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग साला के अंदर होने वाली होने वाली त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं प्रयोगिक त्रुटि कहते हैं यहाँ तक तो समझ गए अब चौथ का क्या पॉइंट है अब चौथ का पॉइंट है यहाँ पर चौथ का पॉइंट अपने मन से लिख लीजिएगा हम बोल समझा देते हैं क्या है वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि यानी इन्वॉर्मेंटल इरर अब इन्वयरमेंटल इरर क्या होता है अब जरा हम समझेंगे अगर मान लेते हैं आप प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं प्रैक्टिकल बहुत तरह का होता है अगर सिविल डिपार्टमेंट में हैं आप अब प्रैक्टिकल करने के लिए आप गए तो सिविल डिपार्टमेंट में है तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है फील्ड में जाना पड़ता है ग्राउंड में जाना पड़ता है वहाँ पर हम टोटल स्टेशन और टोटल स्टेशन और कंपास और थ्रियोलाइट वगैरह से हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं करते हैं कि नहीं तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं धूप में गए प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग सिविल डिपार्टमेंट के यानी टोटल स्टेशन से टोटल स्टेशन से हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए गए अगर अचानक मौसम में बदलाव हो गया और मौसम में बदलाव होने के कारण बारिश होने लगा तो बारिश होने लगा तो हम लोग माप रहे थे कुछ और अब माप देंगे कुछ और क्योंकि भागने का हम लोग फिराक में रहेंगे और उसके कारण जो त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं इन्वर्मेंटल इरर यानी वातावरण के कारण होने वाली तुरंत त्रुटि तो यहाँ पर इसको हिंदी में लिखेंगे मौसम मौसम यानी वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर यानी मौसम के कारण होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलते हैं इन्वयरमेंटल एरर अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तो कोई डाउट है यहाँ तक तो, तो आप लोग समझ गए त्रुटि भी समझ गए त्रुटि क्या होता है आपका वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को हम घटा देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं त्रुटि बोलते हैं और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर ओनली वन फोर सिस्टमैटिक एरर एंड सेकेंड फोर रैंडम एरर एंड थर्ड फोर ग्रॉस एरर यहाँ पर तो देख चुके थे और यहाँ पर सिस्टोमेटिक चार प्रकार का होता है पहला देखे थे इंस्ट्रूमेंट एरर सेकंड देखे थे प्रैक्टिकल एरर और एंड थर्ड देखे थे आपका प्रैक्टिकल एरर और थर्ड देखे थे इन्वायरमेंटल एरर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से हम देख देख चुके और मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बहुत जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं एलेवंथ का फुल वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा थैंक यू सो मच